कल एक बच्चा मेरे पास आया, छोटा सा था। आरती के बाद में उठ के कक्ष में जा रहा था, बड़ा प्यारा प्रश्न उस बच्चे ने किया कि महाराज जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो। छोटा सा बच्चा था, यहीं का होगा, मार्गेस का किसी का बच्चा था, छोटा सा, जिसके कंधे पे मैं हाथ रख के चल रहा था। बड़े बड़े लोग जो हिम्मत नहीं कर पाते, उस बच्चे ने मुश्किल से 13-12 साल का होगा, बोले जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो। मैंने कहा क्यों? बोले आप चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे नीचे देखने लगते, क्या सोचते हैं उस समय। मैंने कहा बेटा मैं ये सोचता हूं कि जय जयकार और आरती हो रही है ना, मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, नहीं हूं तो मुझे बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मैं इस लायक नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए, मुझे लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़। तुम यदि मेरी आरती उतारते हो, पूजा करते हो, नमन करते हो तो मुझे तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरना एक संत की ड्यूटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, तुम्हारी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। वो जितना महान तुम मुझे समझते हो उतना महान बनना मेरे जीवन की अंतिम सांस तक साधना होना चाहिए। ध्यान रखना, तो हमारी ये आरतियां सार्थक और सफल होती, वरना बेकार का सब चीज है। आपसे भी निवेदन है, नाभी राय ने देखा मैं इस जय जयकार के योग्य हूं या नहीं। कभी सोचा करो, झूठी प्रशंसाओं में फूल के कुप्पा हो जाते हो, कचौरी बन के घूमने लगते हो कड़ाही में, अरे बड़ी महाराज ने नाम ले लिया, दत्त तेरे की हकीकत में लिया है या लिया लिवाया जा रहा है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, व्यवहार ऐसा बनाओ। एक बात याद रखना ऋषभ देव वालों, दिवाली बाद तो मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे याद करोगे या नहीं बोलो। नहीं, ऐसी जबरदस्ती कोई टेंडर पास नहीं करना है, बहुमत नहीं करना है कि हाँ नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या, मैं जहां से चला जाऊं हर लोग मुझे याद करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चौमासे में ऐसा काम करो कि जाने के बाद मैं तुम्हें याद करूं। ध्यान रखना, संतों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा व्यवहार बनाना कि मैं दूसरे नगर में जाऊं तो तुम्हारी चर्चा करूं कि देखो चातुर्मास के समर्पित लोग कैसे होते हैं, ऋषभ देव में जाकर देखना चाहिए। ध्यान रखना, संत याद करे तो सफलता है। तुम्हें संतों को याद करो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे तो सारी दुनिया याद करती है, मैं तुम्हें याद करूं ऐसा अपना व्यवहार बना। ऐसा ना हो कि 4 महीने बाद कहीं तुम मिलो, खेरवाड़ा मिलो, उदयपुर मिलो, तो मैं तुमसे पूछूं कहां से आए हो। इससे ज्यादा बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती दुनिया में कि 4 महीने जिस गांव में रहे उसी को नहीं जानते। महाराज ध्यान रखना, मान्य नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में 2 घटना घट गई। ध्यान रखना, पहली घटना घटी कि नाभि राय का जो मुकुट है वह झुक रहा है। नाभि राय ने कहा कि मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब अब सत्ता के दिन खत्म, अब सत्य की यात्रा पे चलना चाहिए। क्या हमारे बुजुर्ग थे, क्या हमारे पूर्वज थे, नाभि राय ने कहा कि अब बस समय हो चुका है, अब इस राज्य के सिंहासन पर बैठना मेरा अधिकार नहीं है। बहुत बैठ लिया, नाभि राय ने सोचा कि जवानी जो बचपन जो होता है विद्या अध्ययन के लिए होता है, बचपन विद्या अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। नाभि राय ने कहा अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरा मुकुट झुकने लगा है, अब मुझे धन अर्जन छोड़कर
पुण्य अर्जन की साधना करना चाहिए। ध्यान रखना, बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है, बुढ़ापा घर गृहस्थी के लिए नहीं होता करता है। बुढ़ापे में आदमी को घर गृहस्थी छोड़कर भगवान का भजन वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तैयारियां उसे करना पड़ा। ये जीवन का संविधान है मानव जीवन का। ध्यान रखिए, ऐसे मत जियो पशुओं की तरह कि पैदा हुए और वैसे ही मर जाओ। नहीं मेरे भाई, मनुष्य जीवन का एक बायलॉज है, एक संविधान है कि कब कब आदमी को क्या क्या करना चाहिए। ध्यान रखना, 25 वर्ष जीवन के बाल्यकाल हुआ करता है, 25 वर्ष विद्या अध्ययन का हुआ करता है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता है और 25 वर्ष संन्यास आश्रम में गुजार देना। देख लो ऋषभदेव के नाभि राव कौन सा नंबर आ गया, कौन सा वाला चल रहा है, बोलो सेठ साहब। संन्यास आश्रम की उम्र हो चुकी है, ध्यान रखना। गए जो दिन थे, नाभि राय ने सोचा कि अब राजपाट के दिन गए, अब मेरे संन्यास के दिन प्रारंभ हो गए। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, रात दिन ऐसे बिताओ, एक सूत्र दे रहा हूं, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन से सो सको। दिन गलत होगा तो रात बेचैनी में कटेगी, ध्यान रखना। दिन गलत तरीके से जियोगे तो पूरी रात करवट बदलते रहोगे, वो दिन पुण्य में गुजारोगे तो रात बड़ी चैन से नींद आएगी। दिन ऐसा बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, जिनकी रातें गड़बड़ होती हैं ना, वो मुंह दिखाने में शर्माते हैं। ध्यान रखिए, दिन ऐसे बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जीवन का सूत्र है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो बुढ़ापा हुआ करता है। और जब भी हाथ फैले तो केसरिया नाथ के सामने हमारा हाथ फैलना चाहिए, दुनिया में किसी के सामने हमारा हाथ नहीं फैलना चाहिए। मान्यवर, जो लोग जवानी गलत तरीके से गुजारते हैं उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापा जीवन के समापन की शुरुआत, बचपन जाएगा जवानी आएगी, जवानी जाएगी क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा जाता नहीं है, ध्यान रखना। कभी सुना कि बुढ़ापे के बाद अब क्या आएगा, वही आएगा बांस, कपड़ा, फूल दो चार, उचिताओं की लकड़ी, और क्या आएगा। बुढ़ापे, बुढ़ापा कभी जाता नहीं है, बुढ़ापा आता है तो साथ लेकर ही जा। बुढ़ापे में अब क्या सपने देख रहे हो, बुढ़ापे में अब क्या सोच रहे हो, अभी भी कह रहे हो अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, अभी भी जवान है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रखिए, शंकराचार्य ने कहा अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल पक गए, दसन विहीनम दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम बुढ़ापे का दंड भोग रहे हो, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं खत्म नहीं होती हैं तुम्हारी। ध्यान रखिए, मान्यवर, बुढ़ापा एक सुनहरा अध्याय है, अनुभवों से भरा होता है बुढ़ापा,
अनुभवों की एक विश्वविद्यालय होता है बुढ़ापा, ध्यान रखना। तुमने जिंदगी को बड़े अनुभव से गुजारा है, तुमने हर पल को बड़े अनुभव से गुजारा है। एक जवान व्यक्ति कुछ कहता है तो वो दम नहीं होती है, एक बूढ़ा कहता है तो उसके साथ अनुभव जुड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सबको बूढ़ा होना है। राम कृष्ण बुद्ध सब बूढ़े हुए, कौन नहीं हुआ बूढ़ा जो दुनिया में आया है? यदि पूरी आयु जिए तो बुढ़ापा जरूर आएगा, उसका ध्यान रखिए। बुढ़ापे से घबराओ मत, बुढ़ापा ही एक ऐसा है, इतना मजबूत होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में ही तो मोक्ष की यात्रा होती है, ध्यान रखना। बुढ़ापे में ही तो संन्यास हुआ करता है। एक दादाजी से मैंने कहा दीक्षा ले लो, बोले अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे मैंने कहा बुढ़ापा ही दीक्षा की उम्र है, ध्यान रखना है। ए बच्चों को दीक्षा देके क्या करेंगे, अब पक गई है फसल, अब चलो हमारे साथ। ऐसा हो गया है आदमी, कल एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूँ। दादाजी उसके साथ थे तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, रात्रि भोजन त्याग कर दे, 12-13 साल का बच्चा होगा। मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग कर दे, उसके दादाजी बोले ठहरो महाराज, नहीं नहीं नहीं। अरे तो मैंने कहा तुमको क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। बोले बच्चा है। अरे तुमने कहा बच्चा है तो क्या हुआ? बोले इतने से बच्चे को रात्रि भोजन का त्याग कराओगे? अब बताओ ये बूढ़े बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? एक बच्चा बोला मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ रहूंगा। दादाजी बोले नहीं महाराज, इसकी बातों में मत आ जाना। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले बच्चा है। मैंने कहा वो बच्चा है, तुम बड़े हो गए, तुम चलो हमारे साथ, ध्यान रखना। बड़ों को चलना नहीं है, बच्चों को जाने देना नहीं। तो तुम तो बड़े हो गए ना भैया, तुम तो बूढ़े हो गए ना, बच्चे दीक्षा नहीं ले, तुम तो ले लो। मान्यवाद विचार करना है आपको, सोचिए। एक बात याद रखना, कितनी भी जवान होने की दवाइयां खा लेना, बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ेगा, बुढ़ापा तो आएगा। कितना भी कॉस्मेटिक पोत लो, बुढ़ापा तो आएगा। जरा फिल्मी हीरो हीरोइनों की फोटो देखना, जो एक समय की सुपरस्टार मानी जाती थी, आज उनकी फोटो भी देखने को मन नहीं करता लोगों का, ध्यान रखना। इस शरीर का धर्म हुआ करता है, बुढ़ापा तो आएगा, चाहे योगा कर ले तो भी आएगा, अनुलोम विलोम कर ले तो भी आएगा, अरे बीमार रहे तो भी बुढ़ापा आएगा, और निरोग रहे तो भी बुढ़ापा, बुढ़ापे से बच नहीं पाओगे, बुढ़ापा तो आना ही आना है निश्चित। कुछ भी कर लो, लाख चतुराई कर लो, बुढ़ापा तो, सुंदर जी नाम ही सुंदर रहेगा, चेहरा तो बिगड़ते जाएगा, ध्यान रखना है। सोच, हो सकता है इनके मम्मी पापा ने बहुत सुंदर हो, इनका नाम सुंदर रख दिया, लेकिन ये सुंदरता कब तक रहेगी, ध्यान रखना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान, मेरी गरियात रहे, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना है, बुढ़ापा जरूर आएगा, लेकिन ये मत सोचो कि बूढ़े हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जवान और बूढ़ों में अंतर इतना ही करता हूं, जो आदमी कहता है कि मेरा कभी जमाना था, मैं भी कभी ऐसा करता था, अब नहीं कर सकता, वो आदमी बूढ़ा हो गया है। और जो आदमी कहता है कि मेरा पहले भी जमाना था और आज भी जमाना है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी 18 साल के जवान से बढ़कर के हुआ करता है। वह 18 साल का जवान है जो आशाएं खो चुका है, वह बूढ़ा होता है। जवान लड़का भी कहे कि हमसे नहीं होगा, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और 80 साल के दादाजी कहे कि हम करके दिखाएंगे, समझना वो फिर से जवान हो रहे हैं, ध्यान रखना। सोचना है, बुढ़ापा शरीर से नहीं आता, बुढ़ापा मन से आता है, ध्यान रखिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ध्यान रखना। एक बूढ़ा हजारों वर्ष की गुलामी से देश को आजाद कर दिया करता है। महात्मा गांधी कोई जवानी में आजादी नहीं दिलाए, बुढ़ापे में आजादी दिलाकर इस देश को स्वतंत्र करके
दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मान्यवर आपसे आग्रह है, ये मत सोचो कि बुढ़ापा बेकार है, बुढ़ापा यूजलेस है। 80 वर्ष की उम्र में कीरो ग्रीक भाषा सीखते हैं, 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में सुकरात ने साहित्य का सृजन किया। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिकासो 90 वर्ष की उम्र में पेंटिंग बनाना सीखता है। ध्यान रखिए, यदि मन जवान हो तो बुढ़ापा हम पे कभी हावी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। और मुझे समाज में तन के जवान नहीं, मन के जवानों की जरूरत हुआ करती है, ध्यान रखना। मन से जवान हो, निवेदन है। शरीर बूढ़ा हो जाए, मन बूढ़ा मत होने देना। मन को जागृत रखना, मन को जवान बनाकर रखना। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, या तो बुढ़ापे को गुनगुना के जी लो या बुढ़ापे को भुनभुना के जी लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मान्यवर फिल्म इंडस्ट्रीज में यदि देखो तो बड़े बड़े जवान हीरो को भी पीछे कर दिया, हीरो को। अमिताभ बच्चन ऐसा है, 80 साल की उम्र में भी जवानी का जीवन जिया करते हैं, ध्यान रखना। आज भी उनका युग है, कल भी उनका युग था और मरने के बाद भी उनका युग होगा, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, सोचना है आपको, बिल्कुल मत सोचो कि बूढ़े हो गए तो कुछ नहीं हो सकता है। आपसे निवेदन है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग, बस ठान लो। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ध्यान रखिए। मान्य निवेदन है आपसे, जीवन को समझो। नाभिराय ने देखा कि मेरा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है कि अभी मुकुट उतार कर ऋषभ देव के सिर पर रख देना चाहिए और उन्हें अयोध्या का सम्राट घोषित कर देना चाहिए।